जब 4 से 6 घंटे किसी वेब सीरीज में देने ही है तो टाइम पास के लिए क्यों क्यों ना ऐसी वेब सीरीज का एक्सपीरियंस ले जो हमारे माइंड को चैलेंज करे। आज की लिस्ट ऐसी ही चैलेंजिंग वेब सीरीज की है जो 1 से 2 मिनट में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स से प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्या वो आपके लिए बनी है या नहीं, और क्या हम इन्हें फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मिल जाएगी। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 हॉलीवुड वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 7। कैसा होगा अगर आपके कोई डार्क और एकदम एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स कॉलेज का ही कोई हैकर पब्लिक कर देता है। इंटरनेट की गंदी और डार्क साइड को पूरी तरह खोल के हमारे सामने आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी के साथ रखी है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की टीन ड्रामा कंट्रोल सी। अगर आप उनमें से हो जो एक बार में पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हो तो सारे काम खत्म करके ही इससे शुरू करना, क्योंकि आज जिस तरह से इंटरनेट का दौर है 100% रिलेट होगी ये आपको। सीरीज की लीड कैरेक्टर सोफिया का आई डोंट गिव अ शिट वाला एटीट्यूड आपको जरूर पसंद आएगा। डायरेक्टर ने इतने अच्छे कैमरा एंगल और बहुत ही अच्छे लॉन्ग टेक शॉट से सीरीज में जान डाल दी है। हर एपिसोड में जब एक एक स्टूडेंट के एम्बैरेसिंग सीक्रेट रिवील होते हैं उससे आपका भी दिमाग दौड़ने लगता है कि ये हैकर है कौन। प्रॉब्लम बस यही है, ये स्पेनिश वेब सीरीज है जिसे इंग्लिश में डब किया है और इनका स्कूलिंग कल्चर कैसा है ये मुझे नहीं पता। तो कई चीजों पर ऐसा सवाल उठता है, यार ऐसा थोड़ी कोई स्कूल में होता होगा, और अगर होता भी होगा तो प्रिंसिपल टीचर्स क्या झक मार रहे हैं। आई मीन पूरी स्कूल को बात पता चल चुकी है और इनका एकदम ठंडा रिएक्शन। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको कुछ अलग हटके और नया देखना है तो ये 8 एपिसोड सिर्फ 35 मिनट्स ईच आपके कुछ नया देखने की क्रेविंग को 100% सेटिस्फाई करेगी। सीरीज के कई ऐसे सीन्स और सिचुएशंस है जो 100% 18+ है और उसका थोड़ा डिस्टर्बिंग नेचर होने की वजह से ये 18+ है। नंबर 4 की सीरीज में इतना ताकत है, अपनी फैंटेसी से आपको 100% बियॉन्ड इमेजिनेशन लेके जाएगी। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की फैंटेसी ड्रामा इनविजिबल सिटी। सबसे पहले नेगेटिव की अगर बात करें, सीरीज पोर्चुगीज में है जिसे इंग्लिश में डब किया है और डबिंग सबटाइटल्स के साथ मैच ही नहीं होती, और ये नेटफ्लिक्स के हर अल्टरनेट वेब सीरीज का प्रॉब्लम है। कहानी एक जर्नी है मर्डर के इन्वेस्टिगेशन की, जहां पर रियलिस्टिक दुनिया और एक छुपी हुई मैजिकल दुनिया, इन दोनों में से एरिक को अजीबोगरीब होने वाली घटनाओं का पता करना है। इस फैंटेसी कॉन्सेप्ट को सीरीज ने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया, कहीं पर भी बोर फील नहीं होता, क्योंकि सिर्फ 7 एपिसोड्स और 35 मिनट्स ईच आपको हर एपिसोड के बाद ऐसे क्लिफहैंगर पे छोड़ती है आपको अगला एपिसोड स्टार्ट करना ही पड़ता है। सीरीज का फोकस फैंटेसी दुनिया में कम और कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी बिल्डअप पे ज्यादा है, जिस वजह से इसकी कहानी बहुत ही रियल लगती है। इस ब्राजीलियन वेब सीरीज की इंग्लिश डबिंग मुझे सबसे ज्यादा इजी और कंफर्टेबल लगी। सीरीज में सेक्सुअल न्यूडिटी वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई हाई लेवल की ब्रुटैलिटी या एक्शन नहीं है, 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 3 की वेब सीरीज एक और बार बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट में एंटर हुई है अपने सीजन 2 और हिंदी डबिंग की वजह से। एक और बार एनिमेशन का बफे जिसमें हर एक आइटम का टेस्ट एकदम अनोखा। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन्स लव डेथ एंड रोबोट्स। सीरीज के बस कुछ ही एपिसोड है जो 18+ है। सिर्फ 5 से 15 मिनट के हर एक एपिसोड, आप खुद देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि फैमिली को दिखानी चाहिए या नहीं। एनिमेशन की क्वालिटी में तो एक गलती नहीं निकाल सकता मैं, कुछ एनिमेशन तो इतने ज्यादा रियल दिखते हैं स्क्रीन पर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रियल है या एनिमेटेड। इस एंटोलॉजी में हर एक अलग अलग प्रकार के एनिमेशन और हर एपिसोड पे अलग अलग स्टोरी, कौन सा एपिसोड आपको क्या सरप्राइज कितना सरप्राइज देगा ये भी एक सरप्राइज है। लेकिन मेरा पर्सनल पॉजिटिव पॉइंट, हर एपिसोड दिल को छूने वाला मैसेज देता है। नेगेटिव है इसका लेंथ, कुछ एपिसोड तो बस 5 से लेके 8 मिनट के है। जैसे ही कहानी से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो एपिसोड खत्म। लेकिन फिर भी अगर आप एनिमेशन के फैन हो और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ कुछ हटके ट्राई करना है तो मेरी गारंटी है आप किसी भी जॉनरा के फैन हो, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, एडवेंचर, फैंटेसी, सभी एनिमेशन फैंस के लिए बहुत कुछ इसमें बियॉन्ड इमेजिनेशन है। टॉप 2 वेब सीरीज से पहले अगर आप भी टाइम पास के लिए नहीं लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए वेब सीरीज देखते हैं तो ऐसे बियॉन्ड इमेजिनेशन कंटेंट के शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नंबर 2 पे भाई साहब ये क्या था? I swear मैं प्रिजन ब्रेक और ब्रेकिंग बैड के बाद इतना हिप्नोटाइज इसी वेब सीरीज से हुआ, शरीर से नहीं दिमाग से। 18+ वालों के लिए 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2019 की कमिंग एज टीन ड्रामा यूफोरिया। प्लेजर, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के लिए अमेरिका के सारे टीनेजर्स अपनी लाइफ में कैसे एडिक्शन की एंट्री करवाते हैं, फिर चाहे वो ड्रग्स का हो, सेक्सुअली हो या फिर कुछ ऐसा जो बहुत ही डार्क और घिनौना। अब आप सोच रहे होंगे फिर से कोई टीनेजर की कहानी जिसमें ड्रग एडिक्ट या सेक्सुअल एडिक्ट होगा। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें एक्चुअली एक
बच्ची उम्र में कैसे धीरे धीरे करके टीनेजर्स में एडिक्शन की एंट्री होती है, कैसे उनके और उनके आसपास के लोगों को अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात है किसी की साइड नहीं लेती है, सब कुछ हमें डिसाइड करना है क्या अच्छा है क्या बुरा, और इन सब में शाइन करेगी जेंडाया की एक्टिंग, आपके दिमाग में पेनिट्रेट करेगी, भूल जाओगे आप कोई वेब सीरीज चल रही है। हर एक कैरेक्टर ने 100 नहीं 200% दिया है अपना। कई सीन्स तो इतने खूबसूरती के साथ शूट किया है, एग्जाम्पल के तौर पर एक कैरेक्टर जब ड्रग लेता है तो वो फीलिंग क्या होती है, वो किस यूफोरिया स्टेट में चला जाता है, उसके एंगल से दुनिया कैसी दिखती है, और फिर जब ड्रग्स नहीं मिलता तो वो तड़पना, साइकोटिक हो जाना, ये सब थोड़ा डार्क लेकिन बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ रखा है, जिस वजह से शायद आपके लिए ये वेब सीरीज एडिक्टिव हो जाए। नेगेटिव की अगर बात करें तो सीरीज बहुत डिस्टर्बिंग है। अगर आपके टीनेज स्कूल या कॉलेज लाइफ में कुछ हादसे हुए जिसके बारे में आप कभी बात नहीं करना चाहोगे, वो कैरेक्टर 100% आपको इस सीरीज में मिल जाएगा, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था दिमाग से 18 प्लस की जरूरत है इसके लिए। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स बहुत ज्यादा स्लो है और 8 एपिसोड 1 आवर ईच आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। मेरा सुझाव यही रहेगा आप एक साथ इसे मत देखना, थोड़ा थोड़ा करके देखना, और शुरुआत करने के पहले एक बात जरूर क्लियर करना अपने आप से, अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव या इमोशनल हो तो प्लीज अपने आप पे मेहरबानी करना और इससे दूर रहना। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये सीरीज अपनी रियलिस्टिक स्टोरी लाइन, ग्रेट सिनेमेटोग्राफी के साथ आपको बहुत इंप्रेस करेगी। नंबर 1 की सीरीज तोड़ फोड़, एकदम तबाही, चीर फाड़। मैं पूछता हूँ कौन कहता है एनिमेशन और कार्टून्स का जमाना चला गया, ये सीरीज है आज के जमाने का अपग्रेडेड वर्जन 2021 की सुपर हीरो एनिमे इनविंसिबल। अटैक ऑन टाइटंस के सभी फैन के लिए बहुत ही अच्छी फ्रिक्शनल और एक्शन से भरी इस वेब सीरीज ने पूरी तरह सरप्राइज किया है। इसका सीजन 2 और 3 अमेज़न ने रिन्यू कर दिया है, और इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसका हिंदी वर्जन भी बहुत जल्द आने वाला है। हवा में उड़ने वाला सुपर हीरो तो हम शायद ही कभी बन पाएंगे, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए सही इनविंसिबल कैरेक्टर के थ्रू सुपर हीरो की लाइफ का एक्सपीरियंस मिले। After everything he's done, how can I live up to all that? You need to decide what kind of hero you want to be. और इन सब के ऊपर आता है सीरीज का ब्रूटल और ब्लडी एक्शन सीन। ओमनी मैन जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, I fought to keep this planet safe. जिसके सुपर पावर्स डेवलप होने शुरू हो चुके हैं उसके 17 साल के लड़के मार्क में। लेकिन जितनी फेरी टेल वाली ये स्टोरी लग रही है आपको, उतनी ही डार्क और इविल ये कहानी है। हर एक कैरेक्टर की बहुत ही अच्छी डबिंग की वजह से आप इमोशनली उस कैरेक्टर से कनेक्ट होते हो, और फिर जब उसकी खोपड़ी फूट जाती है, आंखें बाहर निकल आती है, हर जगह पे बस खून ही खून, कुछ सेकंड के लिए एक मिनी हार्ट अटैक आएगा। 8 एपिसोड 45 मिनट्स ईच अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल ये 18+ सीरीज आपको एनिमेशन का फैन बनाकर छोड़ेगी। टाइम हमारे पास बहुत कम है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा, इसीलिए बेस्ट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। कंप्लीट वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।